हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू कंटेंट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग मिनी वाटर पंप को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये मिनी वाटर पंप है जो लगभग 3 वोल्ट से 6 वोल्ट डीसी पर रन करता है और ये वाटर प्रूफ है क्योंकि इसमें ग्लू गन इंसुलेट किया गया है ताकि अंदर पानी न जाए और इसमें जंग न लगे और ये ख़राब न हो जाए। देख सकते हैं इनपुट है और ये आउटपुट है वाटर के लिए और ये रहा वायर। वायर का क्वालिटी भी अच्छा है। तो गाइज, ये देख सकते हैं ये पाइप है जो आपको 20 से 30 रुपया में आसानी से हॉस्पिटल में मिल जाएगा और ये पाइप लगभग 1 मीटर के आसपास है। तो गाइज, मिनी वाटर पंप को चलाने के लिए देख सकते हैं ये 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी है, 1200 एमएच का है। हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं और मिनी वाटर पंप को चलाएंगे। तो गाइज, देख सकते हैं मग में हमने कुछ वाटर ले लिया है और ये मिनी वाटर पंप को हम लोग मग में रख देंगे। तो गाइज, ये ध्यान रखना है कि ये वाटर प्रूफ है, आपका मोटर खराब नहीं होगा। आप इसमें रख सकते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो गाइज, कुछ इस तरह से आपको भी रख देना है और ये रहा इस मिनी वाटर पंप का पाइप। और तो गाइस, देख सकते हैं मेरे पास लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट का है, 1200 एमएच का है। तो गाइस, देख सकते हैं हमने इसका कनेक्शन कर दिया है और चलिए देखते हैं कि यह पानी आता है या नहीं आता है। देख सकते हैं हमने कनेक्शन इसका बैटरी से कर दिया है। तो गाइस, देख सकते हैं ये पानी आ रहा है। तो गाइस, इसका प्रेशर बहुत लो है। तो गाइज, देख सकते हैं इसका प्रेशर बहुत लो है क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है, हमने चार्ज नहीं किया है। आप लोग 6 वोल्ट से चलाइएगा तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो गाइज, अगर ये मेरा कंटेंट आपको पसंद आया और हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।